आपका प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा का आरंभ है जो सबसे पहले हुई वो किसने की, क्या वो मतलब भगवान विष्णु या भगवान शिव ने उसका किसी उससे आरंभ किया। वास्तव में देखा जाए तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कथा आती है, परंतु गुरु पूर्णिमा का प्रचलन जो है कोई इतना पुरातन नहीं है। फिर भी यदि सबसे पहली कथा होगी गुरु पूर्णिमा की, तो वही होगी जो भगवान गणपति ने भगवान शिव की परिक्रमा की। वो पहला गुरु पूर्णिमा का अर्पण होगा और तर्पण होगा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है या क्यों बनाई गई? जब एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति एक भाव होता है, तो एक प्रश्न उठता है कि हम सब इष्ट देवी देवताओं का कुछ ना कुछ मनाते हैं, तो गुरु का भी कुछ होना चाहिए। उसके चलते गुरु पूर्णिमा का निर्माण हुआ, क्योंकि वो ऐसा योग था। पहला, कौन कब पैदा हुआ है, कई बार तो तारीख छोड़ो साल ही नहीं पता होता था। दूसरा, हमारे धर्म में वो कहते हैं जो सन्यासी हो जाता है उससे नहीं पूछना चाहिए कितने वर्ष के हो, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कि जो पूर्व जन्म को त्याग दिया है उसका बार बार स्मरण नहीं करवाना चाहिए। और पहले अधिकतर जो योगी लोग होते थे, रमते जोगी जिसको बोलते हैं, एक स्थान पर रुकते ही नहीं थे 3 रात्रि से अधिक, क्योंकि एक स्थान पर यदि आप रुकते हैं तो स्थान के साथ मोह होना शुरू हो जाता है। कहते हैं उस स्थान के लोगों के साथ एक मोह का संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। फिर जो योगी है अपनी सिद्धियां वहीं लगा देता है। गुरु से उसका जन्मदिन तो पूछ नहीं सकते, तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार बना दिया गया कि एक ऐसा त्योहार पूर्णिमा की रात्रि हो। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण है, ऐसे ही हमारे गुरु जो हैं पूर्ण हैं, और उस दिन हम उनकी पूजा करेंगे। और दूसरा एक पक्ष जो हमने कल भी इस पर जिक्र किया था कि मई से लेकर अक्टूबर तक कोई नया त्योहार नहीं आता बीच में, और ये संस्कृति इतनी संपन्न रही थी कि लोग हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाते थे, कभी नवरात्रे तो कभी दीपावली, तो फिर बीच में आगे उत्तर भारत में या कैसे राखी या शिवरात्रि या कृष्ण जन्माष्टमी या रामनवमी या बुद्ध पूर्णिमा या हनुमान जयंती इत्यादि, हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता था। इतना संपन्न था ये देश के हर मास में कोई ना कोई उत्सव आता था, तो इन दिनों में कुछ नहीं आता था। तो गुरु ने कहा मेरा ही मना लो फिर। ऐसा शायद नहीं कहा होगा, परंतु मेरा ऐसा मानना है ये भी एक कारण रहा होगा कि बीच में जब एक गृहस्थ जो प्रतिदिन का तप करता है, गृहस्थ जीवन तो संन्यास से कहीं अधिक कठिन है, जो प्रतिदिन एक तपस्या कर रहा है गृहस्थी, मन नहीं है फिर भी काम कर रहा है, एक अपनी जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह कर रहा है, कि उसको कभी ना कभी बीच में एक थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। उसके लिए धर्म में संस्कारों के नाम पर उत्सव बना दिए गए। हर संस्कार के साथ एक उत्सव है, हर मास कोई ना कोई त्योहार है, इसलिए बीच में एक ब्रेक मिल जाए तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार बीच में आ गया। ऐसा हमारा मानना है। देखिए इनका प्रश्न है कि गुरु शिष्य के संबंध की सात्विकता की शुद्धता को कैसे बना कर रखा जाए, कि कई बार शिष्य कुछ ऐसे कर्म करता है जिसको देखकर लगता है कि शायद ये विपरीत है। मुझे ये तो नहीं पता कि दूसरे गुरुओं का क्या नियम है। मेरा तो बड़ा सरल सा सिद्धांत है
जब एक बार किसी को स्वीकार कर लिया, जिस समय उसको स्वीकार किया, ना तो मैंने तब सोचा ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, ये सत्कर्म में है या कुकर्म में है, या कर्म में है या विकर्म में है, ना तो मैंने उस बात पर विचार किया उस समय। जब किसी ने प्रेम से एक निवेदन कर ही दिया कि मुझे शिष्य के स्वरूप में स्वीकार करें, तो उस पर अब चिंतन कैसा? मुझे तो केवल एक सही पल की प्रतीक्षा करनी है कि उस समय वो व्यक्ति तैयार हो। कोई जजमेंट नहीं है, ना ही कोई नियम है। तो जब उस समय मैंने चिंतन नहीं किया, तो बाद में क्या करना? ना मैं पहले जज करूं, ना उस दौरान, ना कभी बाद में। तो मेरा सरल सा नियम है, यदि मैंने स्वीकार कर लिया, तो आप जैसे भी हो, जहां भी हो, मुझे स्वीकार्य हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि मुझे छोड़ना हो, तो मैं स्वीकार ही क्यों करूंगा? फिर तो लाख आंधी आए, लाख तूफान आए जीवन में, ये तो नहीं कहता कि आंखों में मिट्टी ना पड़ेगी, परंतु साथ में आपके होंगे, अकेला नहीं पड़ने देंगे जिसको स्वीकार ले। तो शुद्धता को यदि बनाकर रखना है, तो कोई विशेष नियम नहीं है। हाँ, नहाइए जरूर प्रतिदिन, और एक जेंटल डिओड्रेंट या परफ्यूम वो जरूरी है। इतना ना हो कि एक्स की एड देखी और शुद्धता को बनाने का बस यही है, यथा संभव यथा मति सत्कर्म कर लो। बस जहां अच्छा कर सकते हो कर लो, परंतु बुद्धि रखते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क पर चलते हुए हर भिखारी को पैसे बांटते जाओ, बस मैं इतना कह रहा हूं कि जहां अवसर है कुछ किसी के जीवन में कुछ वो लाने का बदलाव, या आप अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं, तो कर लेना। बस इतना सा ही है। यदि आपको कोई सुख मिला है इस संबंध से, तो उसको आगे जरूर दे देना। Pay it forward, as they say। आपका प्रश्न है कि यदि अभी से इन्होंने मुझे अपना गुरु मान लिया, तो क्या मैं अभी से इनको अपना शिष्य मान लूं? जो यहां पर आता है उस भाव से, कहीं ना कहीं तो उस पर पहले से ही श्री हरि भगवान की एक कृपा है, तो ही वो यहां पर पहुंच पाता है व्यक्ति। कुछ ना कुछ तो पहले का ही उसका टिक लगा हुआ है, चेकलिस्ट यदि हो। परंतु अगर आप किसी कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आप तो तत्पर ही हैं कि अभी लग जाए कल ही निकल जाऊं, पर उनका एक अपना प्रोसीजर है। थोड़ा एक बैकग्राउंड चेक होता है। एक जैसा कि मैंने कहा, ये नहीं कि मुझे किसी को जज करना है, पर मुझे उस समय देना है जब वो व्यक्ति तैयार है। तो मैं किसी को रोक नहीं सकता कोई मुझे गुरु मान ले, और वचन देता हूं मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं जो एकलव्य का अंगूठा ले लूंगा। कितना वैसे वो विचित्र व्यक्ति था द्रोणाचार्य। अरे भैया, कोई आपको गुरु मान रहा है, आपकी मूर्ति लगा के आराधना कर रहा है, उसका अंगूठा ही ले लिया बेचारे का। तो संबंध तो गुरु शिष्य का हो ही गया, यदि वो संबंध की आप कामना करते हो। जब मेरी ओर से कॉन्फर्मेशन है, तो वो फॉर्मलाइजेशन है। फिर परंपरा के साथ आप एक सहजता से जुड़ जाते हो। वो एक वैदिक धर्म का मान रखना होता है। ये एक मूल कारण था कि क्यों मैंने स्वयं दीक्षा ली और स्वयं शिष्य धर्म में समय व्यतीत किया।
मुझे किसी को शिष्य बनाने का क्या अधिकार यदि मैंने किसी गुरु की सेवा ही न की। मुझे क्या पता होगा कि एक शिष्य की क्या व्याकुलता होती है यदि मैं शिष्य बनकर जिया ही नहीं। और यही हमारे वेदों की संस्कृति है, परंपरा है कि आप गुरु बनने से पहले आप शिष्य बनते हो, शिष्य बनने के बाद यदि आप में सामर्थ्य है तो आप गुरु बनते हैं। That's the answer.